भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पूरे प्रदेश में 9 सीटों पर हार रही है और आपने समझ लिया होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कितने बार यहाँ आना पड़ा। अच्छा बताइए 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है कौन सी सरकार गिनने जा रही थी? और ये इसलिए भाग के दौड़ के आ रहे हैं, अब ये जीत तो रहे नहीं हैं, ये प्रशासन पर दबाव बनाने आते हैं, क्या जिताइए? और जबकि लोकतंत्र में बिल्कुल इनको आदेश देना चाहिए था, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराए, जैसे इनकी हैसियत का पता तो इन्हें चल जाता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सवेरे से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं, काम कुछ करते नहीं। इनके देख लिया है इनका झांसी में स्वास्थ्य सेवाएं, जो वर्ल्ड लेवल की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवेरे से शाम तक प्रचार करते थे, तो इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, वेंटिलेटर पर हैं इनकी स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसलिए ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार फेल हो चुकी है, विकास का काम ये नहीं, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार ये नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अब ये सीधा सीधा प्रशासन के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो यहाँ के हम तो इसलिए आए हैं, यहाँ की जनता और समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर इस बेईमानी का मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। लोकतंत्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो मताधिकार का अधिकार दिया है तो उसे मानना चाहिए था, लेकिन ये बेईमान लोग नहीं मान रहे हैं, बेईमानी कराना चाहते हैं। तो बेईमान नहीं, हम जनता के बल पर समाजवादी पार्टी के सभी लोग मिलकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे।